Assalamu alaikum. Welcome again to the next class of current electricity. बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा कम्प्लीटली. और उस लेक्चर के एंड में बेटा हमने एक इक्वेशन आपको डिराइव करके दी थी. उस इक्वेशन को मैं बेटा लिखता हूँ. दैट जनरल इक्वेशन इज दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी. ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन से हमको बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज पता चलता है कि एक सबस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब आप उस सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज करेंगे. इन दिस इक्वेशन दिस डेल्टा आर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन रेजिस्टेंस. दिस अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्लास में, प्रीवियस क्लास में. दिस आर इज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस एंड दिस डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे आपकी रेजिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी. अब कुछ सबस्टेंसेज ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाइक कंडक्टर्स और मेटल्स. और कुछ सबस्टेंसेज हमारे पास ऐसे हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाइक सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. बेटा इस इक्वेशन पे आज हम बेसिक एक्सरसाइज करेंगे. कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इस पे. तो सबसे पहले बेटा, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन. कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू दिया होगा और कुछ का निकालना है. फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम अगर होगी आई होप कि वो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे. फिर भी मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला बेस्ड ही, ताकि आप देख सके कि कैसे हमको कैलकुलेशन वगैरह जो है वो करनी है. बेटा दिस क्लास इज पर्टिकुलरली फॉर 12th क्लास एग्जाम, 12th क्लास स्टूडेंट्स. और आई एम एज्यूमिंग कि यू आर वॉचिंग दिस टॉपिक और यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गो टू द बेसिक्स, टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, टू शो यू द बेसिक प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रॉब्लम. बट आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. बेटा पहली बात, ये जो डेल्टा आर है दिस इज बेसिकली चेंज इन रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन. Where we suppose this R2 is the final resistance and this R1 is the initial resistance. ठीक है, तो this alpha is temperature coefficient. और हर एक material का अपना अपना specific value होता है इस alpha का. आप material change करेंगे तो alpha का value भी change होगा. This R is the initial resistance, तो उसका नाम यहाँ हमने R1 रखा है, so this is R1 and this delta T is basically T2 minus T1, final temperature minus initial temperature. एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे बेटा, इस अल्फा का जो यूनिट है ना, दैट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन. जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, हमेशा याद रखेंगे कि इस अल्फा का यूनिट और इस टेम्परेचर का यूनिट, क्योंकि इस अल्फा का जो यूनिट है उसमें भी टेम्परेचर आता है और ये तो टेम्परेचर है ही. अगर ये बेटा आपका केल्विन में दिया होगा तो आप ये एंश्योर करेंगे कि ये टेम्परेचर भी आपका केल्विन में ही हो. अगर ये डिग्री में है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो. अब अगर ये आपका केल्विन में है तो ये टेम्परेचर भी आप केल्विन में ही लेंगे. आई होप कि यू नो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और फिर हमने बेटा ऐसे किया था दैट दिस आर टू इज द फाइनल रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू इस आर वन को यहां लाएंगे, सो ये आर वन बनेगा, पॉजिटिव टर्म बनेगी यहां पे, तो ये बाकी बनेगा प्लस अल्फा आर वन. ये जो टी टू माइनस टी वन है इसको ऐसे ही रखेंगे, टी टू माइनस टी वन. ठीक है बेटा. सो फिर हम इस आर वन को कॉमन निकालेंगे तो आपकी जो फाइनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन आएगी दैट विल बी आर वन, यहां पे आएगा वन प्लस अल्फा आर वन तो बाहर निकाला हमने, फिर बचेगा बेटा टी टू माइनस टी वन. ठीक है बेटा.
सो दिस इज योर इक्वेशन, ये बेसिकली यही इक्वेशन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको। फाइनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और अल्फा यू मस्ट बी नोइंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड टी टू माइनस टी वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। कभी हम ऐसे भी करते हैं बेटा, अगर हम सबस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर पे डिटरमाइन करेंगे, एंड लेट अस सपोज एट एट टी वन इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सबस्टेंस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, एंड लेट अस सपोज उसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस वी नेम दैट एज आर नॉट। दिस आर नॉट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सबस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री। तो बेटा जो आपकी फाइनल रेजिस्टेंस है आर टू, इसको आप नाम रखेंगे फिर आर, लेट अस सपोज दिस आर इज द फाइनल रेजिस्टेंस। तो ये जो इक्वेशन है, जब आप ये सारी चीजें इसमें देंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आर टू के बदले आर, वायर दिस आर इज द फाइनल रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू आर वन के बदले आएगा बेटा आर नॉट, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सबस्टेंस एट 0 डिग्री, और उसके बाद बेटा आएगा 1 प्लस अल्फा, टी टू इज द फाइनल टेम्परेचर, एंड लेट अस राइट इट हियर दैट लेट अस सपोज टी टू इज इक्वल टू टी, एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो टी टू के बदले टी आएगा बेटा, टी वन के बदले 0 आएगा, तो टी माइनस 0 विल बी टी, सो ये बनेगा बेटा अल्फा टी। ये आपकी बेसिक इक्वेशन बनती है, ये एक और फॉर्म बनता है, इसी इक्वेशन की एक और फॉर्म बन जाती है ये, जहां पे आर नॉट जो है, दिस आर नॉट दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सबस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, एंड दिस टी इज द टेम्परेचर वायर यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को हम यूजुअली यूज तब करते हैं जब आपका एक ही सबस्टेंस होगा और उस सबस्टेंस की रेजिस्टेंस आपको दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दी होगी, और आपको उस सबस्टेंस का अल्फा दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना होगा, तब यूजुअली हम बेटा यही इक्वेशन यूज करते हैं। देखो देखो बेटा, दीज आर एक्चुअली, ये इक्वेशन एक ही है, अब मैथमेटिकल शेप, मैथमेटिकल फॉर्म हमने डिफरेंट बना ली है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है। मान लो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपका कोई सबस्टेंस है उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस है लेट अस सपोज 3 ओम रेजिस्टेंस है उसकी एट टेम्परेचर 20 डिग्री, उसी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस है 10 ओम एट 45 डिग्री, ये डाटा दिया हुआ है। यू हैव अ सबस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3 ओम, एंड फॉर द सेम सबस्टेंस द रेजिस्टेंस एट 45 डिग्री इज 10 ओम। ठीक है, और आपको क्या करना बेटा, आपको निकालना है इसका अल्फा, you have to find the coefficient of temperature, coefficient you have to find out the resistance coefficient of temperature। ठीक है, तो ऐसी problems को solve करने के लिए हम usually ये equation use करते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो answer है वो जल्दी जल्दी निकलता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास जो substance है वो एक ही है, अगर substance एक ही है तो alpha same होगा, खाली alpha नहीं जो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री है वो भी सेम होगी। मान लो आपके पास ये कॉपर है, इस कॉपर की जो रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे है ना बेटा वो 3 ओम है, इसी कॉपर की रेजिस्टेंस 45 डिग्री पे 10 ओम है, आपको इस कॉपर का अल्फा निकालना है। बेटा जब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, इस इक्वेशन में आपकी दो चीजें जो है, दो पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, एक तो आर नॉट, व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। बेटा कॉपर, दोनों केसेस में कॉपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो दोनों केसेस में सेम होगी। दिस अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड यू नो दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, और दोनों केसेस में ये कॉपर है तो मटेरियल सेम है तो अल्फा भी सेम है। तो आपको अगर इस डाटा से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे काम, इस इक्वेशन में पहले ये डाटा इनपुट करेंगे, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसी इक्वेशन में ये वाला डाटा आप सब्स्टिट्यूट करो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
ऐसे करेंगे बेटा आपका हम रेजिस्टेंस एट ए गिवन टेम्परेचर। बेटा अगर आप इस टी के बदले देंगे ना 20 डिग्री, तो यहां रेजिस्टेंस के बदले आपको 3 ओम देना है, तो आप लिखेंगे वेल आर इज 3, ये आर नॉट ऐसे ही, 1 प्लस अल्फा भी ऐसे, टेम्परेचर क्या है बेटा 20 डिग्री, तो लिखेंगे 20। बनी आपकी एक इक्वेशन। फिर ये डाटा सब शूट कर लो बेटा, आर के बदले देंगे 10, जब आपके रेजिस्टेंस 10 है आर नॉट तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस अल्फा बेटा उस टाइम पे टेम्परेचर आपका है 45 डिग्री। बेटा आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो आप क्या करेंगे काम, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, ये इसको डिवाइड कर लो, तो राइट हैंड को डिवाइड हो जाएगा बेटा, दिस आर नॉट एंड आर नॉट विल कैंसिल, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका बाकी जो बचता है दैट इज 3/10 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा या 20 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस 45 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा आपका जो वैल्यू है अल्फा का वो आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस इक्वेशन। सो यही मैं कह रहा था बेसिकली कि अगर आपका कोई सबस्टेंस है, कोई मटेरियल है और उसका जो उसकी जो रेजिस्टेंस है दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दी हुई है, तो आप उस सबस्टेंस का जो अल्फा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कभी ये दिया होगा, ये दो दिए होंगे, तो आर नॉट निकालना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है इस फॉर्मूला पे जो है बेटा, अगर इसमें मान लो 2-4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 दिए होंगे, तो बाकी तो आप निकाल सकेंगे ना बेटा, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज आर मैथमेटिकल, दोज आर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, एंड आई होप यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, एक और चीज बताता हूं मैं इस इक्वेशन के बारे में आपको बेटा। अगर आप इस आर नॉट और इस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो ग्राफ कैसे आएगा, तो पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। आर तो ऐसे ही है बेटा, ये आर नॉट मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये बनेगा आर नॉट प्लस फिर बनेगा अल्फा इंटू आर नॉट, अल्फा आर नॉट इंटू टी, ये इक्वेशन। तो इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू पहले ये टर्म लिखेंगे, दैट इज अल्फा आर नॉट, फिर टी आएगा बेटा, टी इज टेम्परेचर प्लस इसके बाद ये वाली कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे आर नॉट। बेटा अगर आपको आर और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, आप अगर देखेंगे दिस इज सिंपली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अगर इस आर के बदले आप वाई लिखेंगे तो ये आपका स्लोप बन जाता है, दिस इज एम, सो दिस इज योर अनदर वेरिएबल एक्स प्लस सी। तो बेटा जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप आराम से ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो ग्राफ इस इक्वेशन का होगा वही इस इक्वेशन का भी होगा, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, because this is a linear equation in two variables and its graph is always straight, and ये आपको पता है बेटा this m represents the slope of that straight line and this c represents the intercept of that straight line. तो compare करने के बाद जो आपको पता चलता है वो है कि यहाँ पे जो slope है आपका, वो slope आपके बेटा किसके बराबर है यहाँ पे, that is equal to alpha r naught after comparing. Because here you have to plot the graph between y and x, and in this equation you are plotting the graph between r and t. तो बाकी compare करके आपके values आ जाएंगे, ये t है यहाँ पे, इसके बदले x है, x के x का जो coefficient है वो slope कहलाता है, यहाँ पे जो temperature का coefficient है that is alpha or not. So this alpha or not when you plot, जब आप graph plot करेंगे r और t के बीच में, तो उस equation की उस graph, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा बराबर अल्फा और आर नॉट के बराबर, एंड दिस सी इज इक्वल टू दिस सी, इंटरसेप्ट होगा बराबर आर नॉट, व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। तो बेटा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां पे मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये मान लो बेटा आपकी रेजिस्टेंस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, दिस इज योर रेजिस्टेंस एक्सिस एंड दिस इज योर टेम्परेचर एक्सिस, This is your R resistance axis and this is your temperature axis. तो इस equation का जब आप graph plot करेंगे, वो graph आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है ये graph देखो straight line आ जाती है,
यहां से यहां तक जो है बेटा इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा बेटा, आर नॉट। सो दिस इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू आर नॉट। तो अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया होगा, तो जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा इस रेजिस्टेंस एक्सिस को, वहां पे जो है बेटा आपकी रेजिस्टेंस मिल जाएगी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, बिकॉज आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सबस्टेंस एट 0 डिग्री। और बेटा इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब है कि ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, वहां पे ये एक एंगल बनाएगी, एंड लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा, और इस थीटा का अगर आप टैन ले लेंगे, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, इसी को स्लोप कहते हैं बेटा। दिस टेंजेंट ऑफ दिस स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा बेटा, ये दैट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट। ठीक है बेटा, तो अगर आपका इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो इस स्लोप से बेटा आप आर नॉट या अल्फा निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, और दिस इज हाउ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। After comparing, you find that the slope of this graph is equal to alpha R naught. R naught is the resistance at 0 degree and alpha is the temperature coefficient. And this R naught is the resistance at 0 degree. ठीक है बेटा? तो कभी कभी question ऐसे भी आ सकता है, in fact आया हुआ है कि मान लो ये theta दिया होगा, alpha दिया होगा, तो R naught निकालना पड़ेगा। Theta दिया है, alpha दिया है, R naught निकलेगा आराम से, या अल्फा या आर नॉट दिया है, तो यू कैन फाइंड द स्लोप। और अगर आप देखेंगे गौर से बेटा, एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए ये अल्फा और ये आर नॉट दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए जो स्लोप है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप सबस्टेंस वैरी करेंगे, डिफरेंट सबस्टेंसेस का डिफरेंट स्लोप होगा, तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि डिफरेंट सबस्टेंसेस के लिए अल्फा और आर नॉट डिफरेंट आएगा, तो स्लोप अकॉर्डिंगली वैरी होता चाहिए। ठीक है बेटा, शाबाश। अब एक और चीज बेटा, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया, हमने कंपेयर किया इसको विद द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंड वी फाइंड आउट द वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जब आप कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना विद द टेम्परेचर, तो वो ग्राफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है ऐसे। कम टेम्परेचर्स पे ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली नॉन लीनियर है, और जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो ग्राफ है ये लीनियर बनता जा रहा है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ जो मैंने अभी दिखाया, दैट्स एन अप्रोक्सीमेट ग्राफ। तो कम टेम्परेचर्स के लिए वी हैव अ नॉन लीनियर कर्व इनिशियली, ये इस रीजन में बेटा नॉन लीनियर है, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये स्ट्रेट होता जाता है, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट बन जाता है। तो यूजुअली हम कहते हैं जनरली कि दैट रेजिस्टेंस हैज अ लीनियर रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। ये जो कर्व है ना, यहाँ पे कर्वेचर, इसको हम इग्नोर करते हैं, वी नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, और ये ग्राफ जो है दिस इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर कम हो जाएगा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे एक टाइम आएगा ना कि ये जो ग्राफ है ये इस टेम्परेचर एक्सिस को कहीं पे कट करेगा। इसका मतलब है जहां पे ये ग्राफ कट करेगा ना बेटा टेम्परेचर एक्सिस को, वहां पे आपकी रेजिस्टेंस जीरो बनेगी। ये कॉमन सेंस है, ऐसे आप देख लो बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है ना कि उसकी रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर करने से रेजिस्टेंस कम होगी, तो फाइनली जीरो भी बन सकती है बेटा। ऐसे सबस्टेंसेस को जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होगी, ऐसे सबस्टेंसेस को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको हिंट दे देता हूं, या इसका जो बेसिक आइडिया है वो देता हूं आपको, कि सुपर कंडक्टर्स बेसिकली ऐसे मटेरियल्स है, ऐसे सबस्टेंसेस है, ऐसे अलॉयज है जिनकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो ऑलमोस्ट जीरो है। और इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप सबस्टेंस या कंडक्टर्स का टेम्परेचर कम करते हो, उनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, एंड एट अ पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर, जिसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हो, वहां पे इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो बन जाती है। तो तब जाके आप ऐसे सबस्टेंस को नाम दे सकते हो, दैट दोज आर सुपर कंडक्टर्स। अब हर एक कंडक्टर का अपना अपना क्रिटिकल वैल्यू है, मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे उसकी जो है
रेजिस्टेंस वो जीरो बन जाती है, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स का वैल्यू यूजुअली बहुत कम होता है, बहुत नेगेटिव होता है। अब सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हम कुछ सबस्टेंस या डिफरेंट सबस्टेंस को मिक्स करते हैं और एलॉय कंस्ट्रक्ट करते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उन एलॉयज का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो ज्यादा कम नहीं होता, तो दोज एलॉयज कैन बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर्स एट नॉट वेरी वेरी लो टेम्परेचर बट एट कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर्स, कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, मे बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच यू कॉल एज क्रिटिकल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड देन यू कॉल दैट कंडक्टर एज अ सुपर कंडक्टर। ठीक है बेटा, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा ये जो R वर्सेस T है कंडक्टर के लिए, दिस इज R वर्सेस T, दिस इज फॉर कंडक्टर, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट लीनियर फॉर हाई टेम्परेचर्स बट एट स्मॉल टेम्परेचर्स दिस ग्राफ हैज अ नॉन लीनियर कर्व। ठीक है, शाबाश। एक और चीज बता रहा हूं बेटा यहां पे इसके रिलेटेड, मान लो आपका जो वी आई ग्राफ है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पड़ा है, मान लो दिस इज वी वर्सेज आई ग्राफ फॉर एनी कंडक्टर और ये ग्राफ ऐसे आ जाता है, और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है बेटा कि जो स्लोप है ना वी आई ग्राफ का, दैट स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज बेसिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो जब आप वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं उस ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स यू रेजिस्टेंस, जितना स्लोप ज्यादा होगा मतलब जितना ये एंगल ज्यादा होगा बेटा उतनी उस सबस्टेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा है। मगर अगर हम बेटा सबस्टेंस या गिवन कंडक्टर की जो है रेजिस्टेंस जो है हमको ऑलरेडी पता है कि ये डिपेंड है टेम्परेचर पे, और अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब है यहाँ पे स्लोप भी चेंज होगा। मान लो हमारे पास एक सबस्टेंस है, एक गिवन सबस्टेंस है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने उसका वी आई ग्राफ जब प्लॉट किया वो आ गया ऐसे, एंड हमने इस ग्राफ को हम लिखेंगे ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है टेम्परेचर टी1। अब इसी सबस्टेंस का हमने एक और ग्राफ प्लॉट किया हुआ है एट डिफरेंट टेम्परेचर, एंड लेट अस सपोज दैट ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस, दिस ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड एट टेम्परेचर टी2। अब हमें आप बताइए कि बेटा ज्यादा टेम्परेचर टी2 है कि टी1 है, तो सिंपली आप अंडरस्टैंड करेंगे बेटा स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ती है, एंड यू ऑलरेडी नो रेजिस्टेंस कंडक्टर की तब बढ़ती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बेटा देखो T1 पे स्लोप ज्यादा है कि T2 पे स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब T2 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर T2 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब T2 जो है ये टेम्परेचर ज्यादा है ना T1 से, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1, यू कैन से दैट दिस T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप होगा वी आई कर्व का, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एंड यू ऑलरेडी नो दैट मोर रेजिस्टेंस मींस मोर टेम्परेचर। हाँ कभी ऐसे भी हो सकता है बेटा यहाँ पे वी आई के बदले ये उल्टे होते हैं, मतलब यहाँ पे होता है आई और यहाँ पे होता है वी, तब जाके इनवर्स रिलेशन, क्योंकि अगर आप वी आई वी का स्लोप निकालेंगे तो आई वी का जो स्लोप आएगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे वो स्लोप होगा बराबर आई बाई वी के, एंड दैट विल बी इक्वल टू वन बाई आर, वन बाई आर, so here slope is equal to the reciprocal of the resistance, so इसका मतलब है जितना स्लोप ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे टी टू टेम्परेचर पे बेटा स्लोप ज्यादा है, अब स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब टी टू पे रेजिस्टेंस कम है, अब अगर टी टू पे रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब टेम्परेचर टी टू बेटा कम है, सो तब जाके रिलेशन उल्टी आएगी, यू विल राइट टी टू इज लेस देन टी1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग बेटा, दिस इज हाउ यूजुअली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ये जो फॉर्मूला है चेंज इन रेजिस्टेंस विद द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, और इस पे ज्यादा हाईफाई या एडवांस तरीके के प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आते। इनफैक्ट जब हम आगे पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस तब हम इस इक्वेशन को फिर से इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर से यूज करेंगे, तो इसमें जो है एडवांस प्रॉब्लम बन सकती है। अभी जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके लिए बेटा ये सफिशिएंट है, यही काफी है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या तो ग्राफ के रिलेटेड या तो फॉर्मूला के रिलेटेड,
इस पे और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, पर उसके लिए बेटा हमको आगे और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने पड़ेंगे। फिर इस पे जो है, इस टॉपिक पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बेटा कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स भी बनेंगे, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे।